छत्तीसगढ़ शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इकाई धर्मांतरण रोकने अभियान चलाएगी, अगले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उक्त बातें बुधवार को पत्रवार्ता में छत्तीसगढ़ शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे इकाई के प्रदेश प्रमुख डॉ. आनंद सिंह मल्होत्रा, जिला अध्यक्ष सुनील कुकरेजा, ज्योति द्विवेदी, शशांक देशमुख, चंद्रमौली मिश्रा, परमानंद वर्मा, वीरेंद्र देशलहरे, पप्पू मानिकपुरी आदि ने संयुक्त तौर पर कही। उन्होंने बताया कि मूल शिवसेना आज भी हिंदुओं की रक्षा के लिए शुरू से ही व्यवस्थित कैडर पर हमेशा से काम करत रही है। हमारी मुख्य चीज़ें हैं धर्मांतरण के मुद्दे के ऊपर शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और दूसरी हमारी जो शिवसेना का कार्य है वो पूरे प्रदेश में फैलाने के लिए, पूरे प्रदेश में हमारा कैडर पहुंच गया है। 33 जिलों में हमारे जो जिला है उसमें से हम लोग लगभग 18 जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष पहुँच गए हैं। हमारी जो पार्टी के मुख्य विंग है, किसान सेना, कामगार सेना, रोजगार सेना, महिला सेना, युवा सेना, इनके सब पदाधिकारी आपके साथ अभी बैठे भी हैं और लगातार काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर 90 विधानसभा सभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और लगभग हर चुनाव को हमारी शिवसेना ताकत से लड़ेगी, और कम से कम जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें 2 विधायक कम से कम इस बार हम जिता के पहुँचाएंगे, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दों को विधानसभा में रखने के लिए हमारे विधायकों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने आज तक अपने चुनाव लड़े लेकिन चुनाव उस तरीके से नहीं लड़े कि लोग जीत कर पहुँच जाए, लेकिन इस बार हमने तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी है। मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 3 महीने से हमने लगातार गांव-गांव में दौरा, बूथ पर हमारे पदाधिकारियों को बैठाना, बूथ के जो पन्ना प्रमुख जिसे कहा जाता है बूथ का प्रमुख, उन सब पे हमने काम करना शुरू कर दिया, और हम चुनाव के तरीके से ही लड़के आपको दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर आनंद मल्होत्रा, प्रदेश प्रमुख शिवसेना छत्तीसगढ़। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।